क्या चिकन सूप पीने से सेहत को कोई फ़ायदा होता है? दुनिया भर में सदियों से बीमार अफराद को चिकन सूप का इस्तेमाल कराया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि मौसम चेंज हो गया है और हल्की हल्की ठंड हो गई है और इस मौसम में छोटे बड़े सभी सूप पीना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही मज़े से सूप पीते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि सूप पीने से क्या फ़ायदे होते हैं, सूप पीने से हमारे जिस्म में क्या क्या असरात होते हैं और क्या फ़ायदा होता है हमें सूप पीने से। सो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दी एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दी एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 60 ईस्वी से चिकन सूप को मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसमी सरमा में मौसमी नज़ला, जुकाम, फ्लू और खांसी वगैरह जैसी बीमारियां काफ़ी आम हो जाती हैं, जिनके इलाज के लिए बेशतर अफराद चिकन सूप का सहारा लेते हैं। मगर क्या चिकन सूप से इस्तेमाल से इन बीमारियों से निजात पाने में मदद मिलती है, या बस हमें लगता है कि कोई फ़ायदा हुआ है? चिकन सूप को मुतअद्दिद तरीक़ों से बनाया जाता है और गोश्त के साथ मुख्तलिफ सब्जियों को भी शामिल किया जाता है। सूप का अपना मखसूस जायका होता है, जिसे उमामी कहा जाता है, और ये मीठे, नमकीन, तर्स और कड़वे जैसे जायकों के साथ पांचवा जायका करार दिया जाता है। तो क्या इससे फ़ायदा होता है? तो इसका जवाब हाँ है, जी हाँ। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक चिकन सूप के इस्तेमाल से सेहत को फ़ायदा होता है, इससे होने वाली फवायद दर्जेल है। हाजमा बेहतर होता है जबकि खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि चिकन सूप का जायका नज़ला, जुकाम, फ्लू, खांसी या बुखार के मरीजों की सेहत बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। बीमार होने के बाद बेशतर अफराद के खाने की ख्वाहिश घट जाती है या वो कुछ नहीं खाते, जिसके नतीजे में जिस्म को ईंधन नहीं मिलता और मदाफ्ती निज़ाम कमज़ोर होता है। मगर चिकन सूप का जायका मरीज के खाने की ख्वाहिश को बढ़ाता है और इन्हें भूख लगने लगती है। इसी तरह तहकीकी रिपोर्ट्स में ये भी दरियाफ्त हुआ है कि चिकन सूप के जायके से हाजमा बेहतर होता है। चिकन सूप के इस्तेमाल से निज़ाम हाजमा के मसाइल जैसे पेट दर्द, मतली, कैर और हैजे पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। वर्म कम होता है और नज़र जुकाम से रिलीफ मिलता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा जिस्म इस पर काबू पाने के लिए वर्म को मुतहरिक करता है और खून के सफ़ेद फलियात मुतासर हिस्सों में जाकर सेहतियाबी का अमल तेज करते हैं। निज़ामी तंस के अमराज जैसे नज़ला, जुकाम और फ्लू के दौरान जब वर्म मुतहरिक होता है तो नाक बंद हो जाती है या बहने लगती है, छींकी, खांसी और बलगम गाढ़ा होने जैसे मसाइल का सामना भी होता है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि चिकन सूप के इस्तेमाल से मुतासर टिश्यूज तक पहुंचने वाले खून के सफ़ेद फलियात की तादाद में कमी आती है, जिससे नाक बंद होने या बहने की शिद्दत कम हो जाती है, जबकि वर्म भी घट जाता है। अज़ा अहम करदार करते हैं। चिकन सूप की तमाम इकसाम से बीमारी पर काबू पाने में मदद नहीं मिलती, बल्कि इसकी तैयारी के लिए दुरुस्त अज़ा का इस्तेमाल सेहत को फ़ायदा पहुंचाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक घर में तैयार किया जाने वाला चिकन सूप सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे जिस्म को प्रोटीन मिलता है और बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सूप की तैयारी के लिए चिकन के साथ साथ लहसुन, गाजर और काली मिर्च जैसे अज़ा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनका कहना था कि चिकन सूप की हरारत से भी सेहत को फ़ायदा होता है, क्योंकि इसे पीने से नथों और निज़ामी तंत्र के रास्तों का दर्जा हरारत बढ़ता है, जिससे बलगम कम होता है। सो व्यूअर्स, ये थे सूप पीने के फ़ायदे। अब जैसे कि सारे ही सूप बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन जो सूप नहीं पीते
उनका भी दिल करेगा कि हम ये बेशुमार फायदे से फायदा उठाएं और जल्दी से सोप पी लें, क्योंकि सर्दियां आ गई है और सर्दी से बचने के लिए लोग ज्यादातर सोप भी पीते हैं, तो सोप तो लाजमी है सेहत के लिए। सो व्यूअर्स, से मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।